भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने अपने निवास स्थान पर एक पत्रकार वार्ता में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। हाड़ा ने क्या आरोप लगाए, आइए सुनिए। अजमेर का जिला प्रशासन कोरोना महामारी को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और इस बीमारी के प्रति बिल्कुल भी गंभीरता नहीं बरतते हुए आम जन पे और अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रहा है। जैसे मैं कुछ पॉइंट आपको गिनाना चाहता हूँ। जैसे पहला मरीज अपने अप्रैल में माह में आया था, अपने लॉकडाउन के दो दिन बाद में, अगर उसके दरमियान 15-20 दिन के बाद में एक मरीज दोबारा अपने को मिला और फिर एकदम ब्लास्ट हो गया अजमेर शहर में। अगर प्रशासन गंभीर होता और चिकित्सा महकमा भी इस प्रति जागरूकता बरतता तो ये गंभीरता रखते हुए ये जितना भी अपने जो अब एकदम ब्लास्ट हुआ अजमेर को रेड जोन में आ गया, ये चीज़ अपने को अजमेर शहर को देखने को नहीं मिलती। इसमें हमारा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि जो सैंपलिंग है, जैसे अब शहर में 5 मशीनें आ गई है और 5 मशीनों की जो अपनी सैंपलिंग की तादाद है 4,000 से ऊपर की है और सैंपल अभी कुल जो लिए जा रहे हैं 100-150 के अंतर पर लिए जा रहे हैं और रिपोर्ट भी शाम तक उनकी नहीं आती है। हमारा निवेदन ये है कि प्रतिदिन का आंकड़ा दिया जावे आपको भी और जन जागरण को भी कि भाई आपने कितने सैंपल लिए। मान लो 150 सैंपल लिए, उसमें से कितने पॉजिटिव आए, कितने नेगेटिव आए, कितने पेंडिंग रहे। पेंडिंग रहे तो उनकी बाद में स्थिति क्या है, ये बिल्कुल भी किसी को नहीं बताया जाता। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति शहर में नहीं है कि भाई जैसे CMHO प्रशासन या जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का कोई भी व्यक्ति इस पर जवाबदेही अपनी निश्चित नहीं कर रहा है। तो ये अगर हमारा कहना यह है, एक तेज़ी से जैसे कोरोना वायरस, जैसा आपने आप सभी को पता है कोरोना वायरस बहुत भयंकर वायरस है, पहले आज तक ऐसा वायरस अपने हिंदुस्तान में या दुनिया में ऐसा वायरस नहीं आया जो अपने एक दूसरे को संक्रमित करता है और 14 दिन बाद दूसरे व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं, 14 से 20 दिन बाद। और अभी तो हो ये रहा है कि मरीज एसिम्प्टोमेटिक मतलब उसमें अपने को बिल्कुल भी लक्षण नहीं दिखाई देते। जैसे मेरे में कोरोना का वायरस है लेकिन मैं आपको किसी को पता नहीं लग रहा, न तो मेरे में बुखार है, न जुकाम है, न खांसी है, ऐसा कोई लक्षण नहीं है, लेकिन मैं दूसरे को संक्रमित कर रहा हूँ। तो इसका सीधा सीधा उपाय यही है कि अपन मास स्केल पर सैंपलिंग करें। और अब जब अजमेर में सुविधा है 4,000 की सुविधा है, अपन उसको एक चौथाई हिस्सा घटा दें, 500 सैंपल भी रोज़ के अगर टेस्ट करें तो अपन बड़ी तेज़ी से इस पर काबू पा सकते हैं। जैसा भी हो रहा है रोज़ एक दो पॉजिटिव आ रहे हैं, टेस्ट तो वही है, जोन भी वही है, रोज़ एक दो पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं। आप धमाधम सैंपल लो, 500 की तादाद में सैंपल लो डेली के, तो एक बार में जिनको आना है आ जाए। तो जो रेड जोन का जो नियम है कि 15 दिन बाद रेड जोन, अगर कोई केस 15 से 21 दिन तक नहीं आया तो रेड से ऑरेंज में आएगा, लेकिन अब रेड से ऑरेंज में अजमेर कैसे आएगा क्योंकि 15 दिन यहाँ तो डेली एक एक केस आता जा रहा है, एक दो केस आ रहे हैं, तो इस तरह तो अपना रेड जोन का रेड जोन ही रहेगा। तो हमारा निवेदन प्रशासन से इतना है कि इसको सैंपलिंग के प्रति गंभीरता बरतें और लार्ज स्केल पर सैंपल लें, जिससे कि ये जो अपना रेड जोन का जो इलाका हो रहा है इसके प्रति रेड जोन से ग्रीन, ऑरेंज और ऑरेंज से फिर ग्रीन की तरफ आए। चिकित्सा मंत्री का गृह जिला होने से, जैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब कोई VIP होता है तो प्रशासन भी उस तरफ सावधानी ज़्यादा बरतते हुए बचने की कोशिश करता है, तो प्रशासन बच रहा है लेकिन गंभीरता नहीं दिखा रहा, क्यों उनको आंकड़े उपलब्ध करा रहा है और इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहा है। तो उसका परिणाम ये होगा कि एकदम ब्लास्ट होगा, ब्लंडर ऑफ मिस्टेक कर रहे हैं ये, और मैं सोच रहा हूँ उनका गृह जिला इसलिए वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, नहीं तो मेरे ख्याल से अब तक अजमेर में एक बार भी वो आए नहीं। अजमेर शहर में तो मैंने नहीं सुना कि वो एक बार भी, ये जब पॉजिटिव केस आने लगे इसके बाद कभी आए हों। उनके पुत्र जरूर एक बार शहर में आए हैं लेकिन उनको भी आना चाहिए और एक गंभीरतापूर्वक एक मीटिंग प्रशासन और जिला अस्पताल के साथ में कोऑर्डिनेशन बिठाने को लेनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के मध्य कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। प्रशासन ने अजमेर शहर से बाहर जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा करी है, राज्य सरकार ने भी दी, प्रशासन ने भी दी, लेकिन आपको सबको ज्ञात है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जितने भी लोग करा रहे हैं लेकिन जो पहचान का है, अगर किसी मिलने वाले का है तो उसको पास आउट कर दिया जा रहा है, अगर मिलने वाला नहीं है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर उसका ई पास को वैलिड नहीं करा जा रहा है। साथ ही साथ जैसे श्रमिकों को पलायन कर रहे हैं, अपने अजमेर में कितने श्रमिक है, कितने प्रवासी है, कितनों को जाना है, अपने पास अजमेर प्रशासन पास इसकी कोई सूचना नहीं है, कोई लिस्टिंग नहीं है, इन्हें कोई सार्वजनिक की जा रही है कि अपने अजमेर में कितने प्रवासी कोलकाता जाने हैं, कितने बिहार जाने हैं, कितने दिल्ली जाने हैं। अभी थोड़े दिन पहले एकदम प्रशासन को पता लगा कि 2,500 के लगभग जायरीन या फंसे हुए हैं जो कि कोलकाता के थे।
मतलब इतना एक डेढ़ महीने बाद प्रशासन इस ओर जागरूक होता है, और अगर ये प्रशासन पहले से जागरूकता दिखाता तो जितने होटलों में फंसे हुए थे इनको एक तरफ ले जा करके कहीं भी अच्छी सुविधा देके एक जगह रखता और उनकी स्क्रीनिंग करता। अभी जैसे इन्होंने कोलकाता उनको भेजने में जल्दबाजी दिखाई, जबकि होना ये चाहिए था कि पहले लिस्टिंग बनती ढंग से, कोऑर्डिनेशन होता, कोलकाता जो जायरीन गए हैं इनकी अच्छे से स्क्रीनिंग होती। स्क्रीनिंग का मतलब खाली इन्होंने थर्मल स्कैन से लेकर उनका टेम्परेचर किया, चेकिंग नहीं की है, ब्लड की जांच नहीं की है। अगर इसमें से कोई पॉजिटिव हुआ उस दिन, उसने मान लो क्रोसिन गोली खा ली, उसका टेम्परेचर तो आया नहीं, और वहाँ जाकर के कोलकाता में उसको पॉजिटिव केस आ गया, इसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी? इसके प्रति प्रशासन गंभीर नहीं है। दूसरा विषय, अगर कोलकाता की ट्रेन यहाँ से गई है, कोलकाता से वापस वो खाली लौटेगी, तो अगर प्रशासन कोरिलेट करता कोलकाता से या अन्य किसी राज्य से कि जो हमारे राजस्थान के प्रवासी है या अजमेर आने वाले हैं वो उस ट्रेन से आ जाते, अगर व्यवस्था करके अच्छी तरह व्यवस्था करते और आपस में कोरिलेट करते, तो जो यहाँ से ट्रेन खाली गई, जो भरी हुई गई है, वो वापस खाली नहीं आती। साथ ही साथ जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दे रहे हैं कि सीमाएँ लॉक कर देंगे, सीमाएँ लॉक करने से क्या होगा? सीमाएँ लॉक करने से प्रवासी तो जो भी आ रहे हैं छुप छुप के आ रहे हैं, श्रमिक तो छुप के आ जाते हैं, पहले भी आ रहे थे, गलियों से आ रहे थे, ट्रक में छुप के आ रहे थे, सीमाएँ लॉक तो पहले भी थी। अच्छा ये रहेगा कि सीमाएँ लॉक करने की जगह जो आ रहा है उसको क्वारंटीन करें, अच्छे से चेकअप करें, और उसको अच्छे से जहाँ पे उसको जाना है वहाँ पे भेजने की व्यवस्था करें। साथ ही साथ अजमेर में जितने भी लोग फंसे हुए हैं, जैसे कई परिवार फंसे हुए हैं जिनके पास पैसे की सुविधा नहीं है, प्राइवेट गाड़ियों से नहीं जा सकते, जैसे उदाहरण देता हूँ, कोई दिल्ली का परिवार अजमेर में फंसा हुआ है या कोई आगरा का परिवार अजमेर में फंसा हुआ है, तो ऐसे परिवारों के लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी है। या तो वो 15-20 हज़ार की गाड़ी खुद की करें, और अगर वो नहीं व्यवस्था कर पा रहा तो प्रशासन पास उनको भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पास जारी नहीं किए जा रहे, ऐसे लोग घरों में बहुत तादाद में है, प्रशासन ने तो उनकी लिस्टिंग ना फिर उनका रजिस्ट्रेशन ना फिर कुछ चीज़ें उनकी आमजन को दिखाया।